हमारे यहाँ बिरू पंचायत के जो शाखा प्रबंधक है बिना जानकारी दिए हुए शायद यहाँ हमारे भारतीय स्टेट बैंक को दूसरे जगह स्थानांतरित करना चाह रही है। मैं बिरू पंचायत की मुखिया SBI के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे स्कूल से लेकर बुजुर्ग और जितना ग्रामवासी के खाता धारक सभी को बहुत परेशानी होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे। अभी बिरू ग्राम में बिरू पंचायत में एक मामला आया है कि SBI बैंक है उसको यहां से कहीं और शिफ्ट करने का मामला आया है, तो हम लोग जानते हैं अभी बैंक मैनेजर से उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करेंगे ग्रामीणों से। ग्रामीणों के ग्राम सभा करने के बाद अभी हम लोग जो बिरू ब्रांच है उनके ब्रांच मैनेजर से बात करने के लिए आए हुए हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, इसके बारे में चूंकि हम RM सर के अंडर में काम करते हैं, तो RM सर का कहना है कि अपना बिरू बैंक थोड़ा इंटीरियर में है और इस पर्पज से खोला गया था, पूरा नहीं हो पा रहा है। लोन वगैरह चूंकि बहुत कम हो रहा है, कस्टमर भी बहुत कम है यहाँ पर, तो वो चाह रहे थे कि ये ब्रांच अगर रोड पे शिफ्ट हो जाता तो हमारा बिजनेस कुछ बढ़ जाता है ना, तो वो चाह रहे हैं कि ब्रांच शिफ्ट हो जाए रोड पर, तो ये उनका कहना था। तो बोले थे कि पंचायत को एक चिट्ठी दे दीजिए कि हम लोग ब्रांच को शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए हमने मुखिया मैडम को चिट्ठी दे दिया। तो इससे पहले आप ग्राम सभा किए थे कि अचानक से साहब के कहने पे आप लोग चिट्ठी क्यों दे दिए? अचानक से, और चूंकि हमको भी आइडिया नहीं था इसके बारे में, चूंकि हर मंथ पी रिव्यू मीटिंग कहा गया था कि मैडम ब्रांच को शिफ्ट करिए। मैं ग्राम प्रधान जेवीएस संगा, मैं SBI बिरहू शाखा के बारे में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरा पंचायत के स्तर पर बैठक हुआ और इस बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हमारा बिरहू पंचायत के अंतर्गत SBI बैंक को हम लोग स्थापित यहाँ करेंगे, और यहाँ ताकि यहाँ का पंचायत के लोगों को यहाँ सुविधा हो, ताकि यहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे, स्कूल बच्चे और युवा युवती, महिला मंडल, तमाम ग्राहकों को यहाँ बिरहू ब्रांच से सुविधा मिले, यही आशा के साथ हम लोग बैंक को स्थापित किए थे। परंतु अभी हम लोग को जानकारी हो रहा है कि बिरहू ब्रांच कहीं स्थानांतरण हो रहा है, इसमें हम ग्रामवासी काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं, और आज यहाँ पर बैठक हुआ और इस बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि बिरहू बैंक यहीं पर रहे, कहीं हम लोग जाने नहीं देंगे, और हम लोग यहाँ बिरहू पंचायत के अलावा जुर्दाक पंचायत भी इस ब्रांच पर सेवा मिल रहा है और मिलता रहे, ये आशा के साथ हम लोग बिरहू बैंक को यहीं पर हम लोग रखना चाहेंगे। मैं बिरहू पंचायत के ग्रामवासी अजीत कश्यप, बिरहू पंचायत के अंदर भारतीय स्टेट बैंक शाखा के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिरहू पंचायत के जो शाखा प्रबंधक है बिना जानकारी दिए हुए शायद यहाँ हमारे भारतीय स्टेट बैंक को दूसरे जगह स्थानांतरित करना चाह रही है, जिसके लिए हम सभी ग्रामीण निवासी काफी आक्रोश है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे, स्कूल बच्चे के खाता, वृद्धा पेंशन वाले बुजुर्ग, विकलांग एवं महिला मंडल के सारे सदस्यों का खाता एवं हमारे अगल बगल के जितने भी गांव हैं, जुर्दाग, इधर हुटार, गुड़जोरा, सभी तरह के बहुत दूर दूर तक के गांव के खाता धारक है, जिनको काफी परेशानी होगी अगर यहां से बैंक स्थानांतरण हो जाने से, सभी लोगों को काफी परेशानी होगी। अगर ये बैंक को स्थानांतरण करने से हम लोग सभी ग्रामवासी यहां से खाता को सभी क्लोज कर देना चाहते हैं, और नहीं तो हम लोग का कहना है कि हम लोग का शाखा बिरहू पंचायत में ही रहे, पंचायत भवन में हम लोग इनको जगह दिए हुए, इसे हम लोग को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तत्काल जो हम लोग के बिरहू पंचायत के शाखा प्रबंधक है, इनका जो भी व्यवहारिक
ये भी सही नहीं होने के चलते हमारे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। मैं बिरू पंचायत की मुखिया पंचायत एसबीआई के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो यहाँ जो हस्तांतरित हो रहा है यहाँ से दूसरा जगह जा रहा है यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होगी। कहे कि यहाँ पर छोटे बच्चे स्कूल से लेकर बुजुर्ग और जितना ग्रामवासी के खाता धारक सभी को बहुत परेशानी होगी। इसलिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ बिरू एसबीआई बिरू पंचायत में ही रहे, क्योंकि इसका सामना हरे गांव वालों को करना होगा। सुने हैं यहाँ पर बुधवार को खुला रहता है लेकिन किसी प्रकार का काम नहीं आता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बुधवार को भी यहाँ पर काम हो।